राजसमंद विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखिए सबसे पहले जयवर्धन न्यूज पर लाइव। राजसमंद की प्रमुख खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 2 मई को खुलेगा। इसके लिए हाईवे 8 किनारे राजसमंद के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना 25 राउंड में पूरी होगी, जबकि सबसे पहले 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होगी। इस तरह 9 बजे से मतगणना के रुझान आने लग जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मतगणना कार्य सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना से प्रारंभ होगा, जिसके बाद ईवीएम से गणना होगी। 25 राउंड की मतगणना 2 मतदान कक्षों के साथ साथ टेबल पर होगी। दोनों कक्ष में निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मतगणना का कार्य किया जाएगा। सभी ईवीएम मतगणना के बाद लॉटरी द्वारा चयनित 5 वीवीपैट की गणना की जाएगी। मतगणना में लगे कार्मिकों को ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड का उपयोग करना होगा। सादल भी लगातार इसकी निगरानी करेंगे। इस बार मतगणना स्थल पर भी एकत्र नहीं हो सकेगी और न ही विजयी प्रत्याशी का कोई जुलूस शहर में निकलेगा। इसको लेकर पहले राजनीतिक दलों को चेता दिया है, जबकि कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। महाविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 1 से प्रवेश करेंगे। इस द्वार में से निर्वाचन ड्यूटी पर कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों और मतगणना स्टाफ का प्रवेश होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी और मतगणना एजेंटों का प्रवेश महाविद्यालय के द्वार 2 से होगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 1 वाहन लाने की अनुमति होगी। मतगणना के दौरान अभ्यर्थी, अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना सुपरवाइजर एवं सहायक अर्थात मतगणना हॉल में ड्यूटी देने वाले मतगणना स्टाफ भी मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार के अलावा कोई कार्मिक मोबाइल साथ में नहीं ले जा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कुछ अधिकारी व कार्मिकों को मोबाइल अनुमत है, जबकि मीडिया कर्मी भी मीडिया सेंटर पर मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना के लिए कक्षों में टेबल, कुर्सी व अभिकर्ताओं के बैठने की सारी व्यवस्था कर ली गई है। चुनाव पर्यवेक्षक प्रशांत कुमार पंडा ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस पर श्रीनाथ जी मंदिर मंडल सीओ जितेंद्र ओझा व रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार द्वारा मतगणना संबंधी सारी तैयारी व गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता ने विस्तार से बताया। इस तरह पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राजसमंद जिले में 1 मई को 285 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यह राहत की बात है कि 276 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। कांकरोली में 60 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह कुरज में 39 वर्षीय युवक तथा केलवा में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस तरह अब राजसमंद जिले में सक्रिय कोरोना पॉजिटिव 3134 है। अब बात करते हैं राजसमंद जिले में ब्लॉकवार कोरोना संक्रमितों की स्थिति की, तो देखिए कि आमेट ब्लॉक में 23 लोग पॉजिटिव है। इसी तरह भीम ब्लॉक में 53, देवगढ़ में 36, कुंभलगढ़ ब्लॉक में 1, खमनोर में 46, रेलमगरा में 20, राजसमंद ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में 18, राजसमंद शहरी क्षेत्र में 61, नाथद्वारा शहरी क्षेत्र में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर संक्रमित राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में ही आ रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करें। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखिए सबसे पहले जयवर्धन न्यूज पर लाइव। राजसमंद की प्रमुख खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल।